हिंदी सिनेमा में डिस्को डांसर नाम से प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का नाम यूं तो बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है, लेकिन अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ इनके अफेयर की खबरें ज्यादा लंबे समय तक चली, जिसके चलते इन दोनों के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन श्रीदेवी के साथ इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आज श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते? इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे क्यों ये जाह्नवी से नफरत करते हैं, इनका चेहरा नहीं देखना चाहते। अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे कपल हैं जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। इस लिस्ट में मिथुन दा और श्रीदेवी का नाम भी शामिल है। इन दोनों ने पहली बार 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान में एक साथ काम किया। ये वही फिल्म थी जिसके दौरान करीब आए एक दूसरे से प्यार कर बैठे। लेकिन इनकी इस प्रेम कहानी में एक रुकावट थी कि मिथुन दा पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने बिना किसी डर के अपने रिश्ते को बनाए रखा। फिल्म जाग उठा इंसान में इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दर्शक इन दोनों की जोड़ी को और फिल्मों में देखना चाहते थे, इसलिए निर्माताओं ने केवल इन दोनों की जोड़ी को अपनी फिल्म में कास्ट किया। इन दोनों ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम भी किया, जिसमें वक्त की आवाज, वतन के रखवाले सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली फिल्में। इन फिल्मों में साथ काम करके इनका रिश्ता और गहरा हो गया, जिसके चलते इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। लगभग 3 साल एक साथ रहे थे, लेकिन जब इनकी शादी के बारे में इनकी पत्नी को पता चला तो इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके कारण इन्होंने श्रीदेवी के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए और अपनी पत्नी के पास वापस चले गए। इसके बाद श्रीदेवी टूट गई, लेकिन श्रीदेवी की इस मुश्किल घड़ी में इनका साथ दिया बोनी कपूर ने, जिनसे बात करके इनका मन हल्का हुआ करता था। और श्रीदेवी को बोनी कपूर धीरे धीरे पसंद आने लगे और इन दोनों में प्यार हो गया। बोनी कपूर जो पहले से ही शादीशुदा थे, इन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेकर श्रीदेवी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद जाह्नवी का जन्म हो गया, और खबरों की माने तो जाह्नवी मिथुन की बेटी है, क्योंकि मिथुन और श्रीदेवी 3 साल तक साथ रहे थे। मगर कुछ सोर्सेस इस बात को गलत भी साबित करते हैं, लेकिन आज कुछ खबरें आ रही है कि मिथुन श्रीदेवी की अंतिम विदाई में इसलिए नहीं गए कि वहां जाह्नवी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मिथुन दा कहते हैं कि जाह्नवी का चेहरा उनकी माँ से बहुत मिलता है और ये जब भी उन्हें देखते हैं उन्हें श्रीदेवी की याद आती है, जिन्हें वो याद नहीं करना चाहते, इसी वजह से ये जाह्नवी का चेहरा नहीं देखना चाहते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जाह्नवी किन की बेटी है, बोनी कपूर की या मिथुन की? हमें कमेंट में बताइए। और बॉलीवुड से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।